तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज जो है बहुत ही अहम टॉपिक है गुलाब के ऊपर, और रोज़ केयर के बारे में हम बात करेंगे। मार्च का महीना चल रहा है, फरवरी एंड हुई है और मार्च भी मिड हो चुकी है। मिड हो क्या चुकी है, 17 तारीख आज मेरे ख्याल से हो गई है। तो मैं अपने रोज़ प्लांट को दिखाने वाला हूं, और रोज़ प्लांट के साथ मैं आपको कुछ गाइड करने वाला हूं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप सभी रोज़ लवर्स के लिए, जिनके गुलाब के पौधों की पत्तियां अगर इस तरीके से दिख रही हैं अगर आपको, और इस तरीके से आपको पीलापन क्लोरोसिस की कमी दिख रही है आपको, तो आपको मैं दिखाता हूँ बड़ी ही, और इसका समाधान भी बताऊँगा कि किस तरीके से इसको जो है ठीक करना है आपको। तो सभी पौधों में नहीं, कुछ पौधों में है, मेरे नीचे वाले जितने भी यहाँ पौधे रखे हुए हैं वहाँ इनमें मैक्सिमम में है ज़्यादातर ये चीज़। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या है, इसको समझते हैं आइए इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले इसी प्लांट से शुरू करूँगा आपको, और इसमें क्या दिक्कत है और उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आप समय रहते इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर इसके योलेशपन पे, इसकी पत्तियों के पीलेपन पे, या इस तरीके से देख सकते हैं आपको थोड़ा सा जाला नुमा सा दिख रहा होगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये कुछ पाउडरी पाउडर तरह की जो है वो भी चिपका हुआ है। तो चलिए ये देखें, यहाँ पर इसकी ब्रांच भी आप देख सकते हैं, इसकी ब्रांच पे भी जो है यहाँ पे कुछ ऐसा पाउडरी मिल्ड्यू जैसा जमा हुआ है। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताऊंगा कि पौधे के जो है पत्तियों को देख करके आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है कि आखिरकार इसमें दिक्कत क्या आ रही है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तब तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपका पौधे जो है दिक्कत में आ सकते हैं, और आपका जो शौक है वो भी अधूरेपन में रह सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फिर इसका निवारण भी बताएंगे, और यह है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जब भी आपको इस तरीके की पत्तियाँ देखें, या आपके पास एक एक लेंस कर लेंस आता है जो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जो माइक्रो लेंस होता है, तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, मैं मेरे अभी जहन से नाम उतर रहा है उसका, तो वो 10x या फिर 20x जूम करके, 30x जूम करके जो मिलता है आप उसको बिल्कुल ले लीजिएगा। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो आपके मोबाइल के कैमरे से आप, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप देखिएगा मोबाइल के कैमरे से, क्योंकि बड़े बड़े छोटी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो हम जो है इन कैमरों की और इन लेंसों की सहायता से ही इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं, और तभी हम उनका सही इलाज कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप इसको स्टार्ट करता हूँ मैं, ये देख सकते हैं यह है मेरे रोज़ प्लांट का पत्ता, आप देख सकते हैं सारी लीफ मेरी ऐसी ही हो रही हैं, और ये पुरानी जो है यह भी जल रही है, ये देख से ये पुरानी वाली भी मेरी जल रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इन पत्तियों को आपको जो है एकदम से पलट करके देखना है, ये देख सकते हैं ये जब जो पत्ती, एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ बात, कि जब भी जो है किसी कीट का अटैक होता है इस पे, हालांकि अटैक है कीट का वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको और कुछ जानकारी की बात बताऊँगा किस तरीके से जो है इस पर आपको जो है वो दिखाई पड़ेगी माइट्स। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से ले जा करके, ये देखिएगा ये है हमारा रोज़ का पत्ता गुलाब का, अब देख सकते हैं ये पीछे माइट्स आपको दिख रही होगी, ये बहुत बारीक बारीक बिल्कुल ये पीले टाइप में, गोल्डन टाइप में भी हो सकती है, और ये आपको रेड टाइप में भी हो सकती है, मतलब लाल तरीके की, तो इस तरीके की ये माइट्स है इसके अंदर, आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते हैं ये 8 पैर वाले कीट होते हैं, आप बहुत करीब से अच्छी क्वालिटी में वीडियो कर लीजिएगा, इनके आप पैर भी गिन सकते हैं, इनके पैर देखें 8 पैर होते हैं। तो इनके लिए जो दवा लेनी है वो बिल्कुल ही अलग लेनी होती है, आप थ्रिप्स या एफिड्स की दवा या रस चूसक और भी इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिल जाते हैं, तो आपको उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, माइट्स की दवा बिल्कुल ही अलग आती है। अगर आप इसमें माइट्स पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो बिल्कुल ये आपको बहुत ज़्यादा हानि देने वाला है आपके पौधों को, और ये बहुत तेज़ी से फैलती है, और बड़े अनुभवी एक व्यक्ति हैं जो, जिनसे हम ये थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, तो
थोड़ी सी क्या जानकारी वो हमें पूरा गाइड करते हैं, तो उनसे हम ये सीख रहे हैं आजकल, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे तक आप तक भी ये बात पहुंच सके। तो ये माइट्स है, इसके लिए बिल्कुल आपको जो है अलग से दवा लेनी होती है। इसके लिए जो है मजिस्टर करके एक आती है, आप वो ले लीजिए, और मिड साइड जो भी आती है आप उस तरीके की मिड साइड ले सकते हैं। और ये देखें, ये पुराना पत्ता है, इसके पीछे देखें कितने अंडे दे रखे हैं इन्होंने। आप चाहें तो इसको कट कर दीजिए, मगर कट कर देंगे अगर आप सारे पत्तों को, तो इसमें कोई हल और समाधान निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब गर्मियाँ तेज़ होंगी, तो गर्मियाँ अगर तेज़ होंगी, अगर आपके गुलाब के पत्ते घिर जाएंगे, गुलाब के पौधे पर पत्ते नहीं रहेंगे, तो आपका पौधा फिर डेड होने के चांस हो जाएंगे। और धूप तेज़ होने के साथ साथ जो है तपिश जो है इसमें हीट बहुत ज़्यादा होगी, जिस वजह से जो है आपके प्लांट जो है सर्वाइवल चांस जो है वो बहुत कम रहने वाले हैं। और मैं आपको इसी तरीके से दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ ऊपर से देखें पत्ते, इस तरीके के भी आपको चिन्ह देखने को मिलेंगे, पर इसके नीचे भी आप जब पलट करके देखेंगे तो इसके नीचे भी आपको देखें ये माइट्स देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप देखिए, ये सारी एक्टिव माइट्स हैं। मैं अभी इनको मैंने एक वैसे लकड़ी की सहायता से हिलाया तो ये चल रही थी सारी, अभी ये यहाँ पर रुकी हुई हैं, रुकी हुई नहीं है, ये चलती हुई दिख रही होंगी आपको, देखें इक्का दुक्का बहरहाल ये सारी ही। और ये बारीक बारीक जो देख रहे हैं ये अंडे हैं, जब ये अंडे फूटेंगे तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है पौधों पर, और ये जाला क्रिएट करना शुरू कर देती है। जब जाला बनना शुरू हो जाता है तो ये जो है और ज़्यादा मात्रा में इनकी जो है संख्या बढ़ती चली जाती है। हर पत्ते के पीछे आपको देखिए ये माइट मिलेगी, ये मिड साइड आप यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ बता देता हूँ मैं, जब भी पौधे के पत्तियाँ इस तरीके से करली हों ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ रही हों, कश्ती नुमा बन जाए ऊपर की तरफ, तो आप समझिए थ्रिप्स का अटैक है। और नीचे जब मुड़ेगी इस तरीके से, नीचे की तरफ अगर करली हो रही है, तो माइट्स एफिड और अदर रस चूसक जो कीट होते हैं वो उनका अटैक है। जो थ्रिप्स होती है वो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ से देख सकते हैं। तो फिलहाल अब हम इनका जो है समाधान करेंगे, क्या करेंगे तो और किस तरीके से देना है वो मैं आपको बहुत ही मतलब जो है एक दवा जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे मानव शरीर को ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को, रोग को दूर करने के लिए, वैसे ही इस तरीके से इन रोज़ प्लांट्स को भी जो है आवश्यकता होती है इसी तरीके से डोज देने की। तो ये देखें, ये हमारे रोज़ प्लांट के जो है कुछ पत्तियाँ सूख भी गई हैं, माइट ने इतना रस चूस लिया है इन सभी का। तो फिलहाल अभी हम इनको जो हमने बताया आपको, ये तो थी थोड़ी सी पहचान। और ये देखें, इस पर भी देखें, यहाँ पर देखें जाला भी बुनना शुरू हो गया है। अगर आप इनकी पहचान करना चाहते हैं तो रेतीली भुरभुरी मिट्टी लेकर के आकर के इस पर डालें, पीछे से यहाँ पर डाल दें और उसको झाड़ें, तो ये आपकी जो है वहीं की वहीं चिपकना शुरू हो जाएगी, जाले पे लटकना शुरू हो जाएगी। तो ये है इसका पहचान, आपको इन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई ऑर्गेनिक दवा ले रहे हैं और इस तरीके से आपका अगर जो है कीट का अटैक हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत स्लो काम करेगी, तो जिस वजह से आपको जो है वो नहीं लेना है। क्योंकि मैंने भी लिया था, नीम ऑयल का स्प्रे किया था, वो तब यूज़ करना चाहिए जब लगी नहीं होती है। अगर ये इतनी भयंकर तरीके से अटैक है तो आपको वो नहीं लेना है। और आपको लेना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही जो है डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसका डॉट क्लियर करके ही चलूँगा मैं, कि आपको कोई भी जो है समस्या ना आए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से अपने इस तरीके के हेल्दी रोज़ बना सकते हैं इस तरीके की कंडीशन से निकाल करके। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है आने वाले गर्मियों के टाइम के लिए। तो फिलहाल ये हैं मेरे सारे के सारे, आपको रोज़ प्लांट दिखाई दिए हैं। तो बाकी मेरे जो ऊपर हैं छत पर रखे हुए, वो माशाल्लाह बढ़िया हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें माइट्स का अटैक नहीं है। फिर भी हम जो है उस पर जो है स्प्रे करेंगे। ये देखें, यहाँ पे अटैक नहीं हुआ है माइट्स का इस वाले पौधे पर, माशाल्लाह इस वाली ब्रांच पे, इस वाले ब्रांच पे तो हो चुका होगा मेरे ख्याल से, लगता है हाँ इस वाले इस पर है, पर इस ब्रांच पर अभी नहीं हुआ। मगर इसमें फिर भी क्लोरोसिस की कमी है और नाइट्रोजन की कमी है, देख सकते हैं पत्तियों जो है थोड़ी सी क्लोरोसिस नहीं बोलूँगा, पत्तियों में पीलापन है, नशे में थोड़ी ठीक ठाक हैं। तो ये है आज का जो मेरा विषय आप सभी के लिए,
जो मुझसे कनेक्ट हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो लगातार रेगुलर हमें देख रहे हैं और इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, और ये बहुत जल्द रिकवर भी हो जाएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि लेना क्या क्या है और कैसे कैसे उसकी डोज लेनी है और उसको जो है किस तरीके से अपने पौधों पर अप्लाई करना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं ख़ास तौर से कि आपको, ये जो मैं दवा बता रहा हूँ, देख सकते हैं सनसेट हो रहा है यानी कि सूरज डूब रहा है, या तो फिर आप शाम के टाइम पे दे दीजिए या फिर आप सुबह के टाइम पे दे दीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग में या फिर लेट इवनिंग में। तो ये होती है किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र देने की या फिर जो है किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या मिटसाइड देने की विधि। तो मैं अब चलता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या लेना है और कैसे कैसे लेना है। तो साथियों, यह है मेरी लगभग 15 लीटर की जो है टंकी है, और मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं जो यूज़ करूँगा वो दवा है, जैसा कि मैंने बताया, मजिस्टर ले लीजिए आप, बहुत बढ़िया है। बाकी मेडसाइट काफ़ी तरीके के मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड और एकेरिसिड, ये ओबेरॉन करके आता है और एक ओमाइट करके आता है। ओमाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पत्तियों में धब्बा डाल देता है, उसकी शिकायत की रहती है, थोड़ी सी हार्ड होती है वो। और बाकी ये रही ओबेरॉन, ओबेरॉन की जो डोज लेनी है आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको लेनी होती है। तो बस इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि इसको आपको 1 ml पर लीटर देना है, और ये मेरे पास काफ़ी समय से रखी है, थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट तो होती है, मगर ये ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट करे, ये इफ़ेक्ट बिल्कुल करेगी अपना कीटों पर हमारे। तो यह है 100 ml की, तो इसको मैं लूँगा 15 ml की जो है, पूरी 1 ml पर लीटर के हिसाब से डोज इसकी लेना है मुझे। और दूसरी चीज़ मैं ले रहा हूँ, ये मकड़ी के लिए काम करेगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और बाकी एक ये है, ये आप देख सकते हैं, ये पाउच है 2 ग्राम का, जंप करके आता है, और इसके अंदर जो होती है, क्या मिला हुआ होता है इसके अंदर, क्या होता है आप देख लीजिएगा, फिप्रोनिल होता है कि क्या होता है, फिप्रोनिल 80% होता है इसका, और इसलिए इसकी जो डोज रखी गई है वो रखी गई है आपको 2 ग्राम पर 15 लीटर के हिसाब से, एक टंकी के हिसाब से रखा गया है इसका हिसाब किताब। अगर ये इसका जो फिप्रोनिल का परसेंटेज होता है ये कम होता है तो आप इसको ज़्यादा ले सकते हैं, पर जब इसकी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो इसकी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, 80% में है, तो WG फॉर्म में है, तो इसको भी हम जो है पाउच लेकर के आए हैं, तो इसको भी आप बिल्कुल यूज़ करिएगा, ये आपको मिलेगा 70 रुपये का पाउच फिप्रोनिल का 80%। ये थ्रिप्स के लिए और जो है माइट्स के लिए, सारे जितने भी तरीके के कीट हैं आपको सभी पे काम करेगा। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, एडमायर करके आता है, ये भी 2 ग्राम का है, ये भी बायर का है और वो भी बायर का, इसके अंदर एमडा क्लोरोपिड होता है, वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में होता है, 70% WG में। तो ये एमडा क्लोरोपिड है, आप ये जो है ये आपको 32 रुपये में मिल जाएगा, 30 रुपये में आपको ईजिली मार्केट में। ये भी पूरी टंकी का होता है, आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ये ऐसा नहीं है कि 1 लीटर में मिलाना है, ये बहुत तेज़ होता है, अगर आप 1 लीटर में मिला देंगे तो आपके पौधों को नुकसान दे सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। और इन पे जो कीट का जो समय होता है वो इस समय पे क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको बात बता देता हूँ कि इस समय फरवरी के ख़त्म होने के बाद मार्च महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आना शुरू होती है हर एक पौधे पर। जब ग्रोथ आना शुरू होती है तो ग्रोथ के साथ साथ जो है ये इस तरीके से जो है, जो मैंने आपको दिखाई माइट्स, तो ये आना जो है शुरू हो जाती है। तो क्योंकि ये नरम पत्तों को और मोटे पत्तों, जब नरम पत्तों पे लगती है तो मोटे पत्तों पे भी ये चूसना रस शुरू कर देती है, और हमारे पौधे की पूरी 1 साल की मेहनत, और यही समय सही होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले हम इनको जो है फाड़ करके इसमें डाल लेंगे, तो मैं अभी पूरा मिक्सर बना लेता हूँ, और ये आपको मैंने बता ही दिया, ये मेरे पास मापक है, मापक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ml के हिसाब से ये 5 ml है, तो मुझे यहाँ पे 10 ml तक या 15 ml तक लेने वाला हूँ। तो इस तरीके से बस आपको ये देखना है, डोज पूरी सही रखनी है, और इसको देने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो मैं उसका तरीका अभी आपको स्प्रे करते करते बताऊँगा मैं, और स्प्रे करते करते नहीं, अभी ही बता देता हूँ मैं आपको, फिर स्प्रे में आवाज़ थोड़ी सी शॉर्ट सही नहीं रहती है। तो इसको देने का तरीका क्या है, जैसे आज हमें इसको देना है, तो अभी हम दे रहे हैं, मैं इसलिए दे रहा हूँ ये
ये मैं हालांकि नहीं भी देता, मगर मुझे थ्रिप्स का भी थोड़ा सा अटैक लग रहा है, तो इसलिए मैं ये भी साथ के साथ मिला करके दे दे रहा हूँ पहली डोज में। और दूसरी डोज में मैं नहीं दूंगा, दूसरी डोज में सिर्फ मैं ओवेरॉन ही दूंगा। और ये सफ़ेद कलर का वाइट कलर का होता है ओवेरॉन, तो इसको आज देना है, आज से फिर तीसरे दिन देना है। इसको तीसरे दिन देने के बाद आपको फिर जो है सातवें दिन देना है, मतलब आज जीरो दिन से शुरू करेंगे आप, मतलब जो है आज हमने दी तो एक दो तीन, तीन दिन तीसरे दिन देना है, फिर तीन के बाद फिर तीन दिन के गैप से देना है, सातवें दिन फिर दसवें दिन देना है। तो इस तरीके से जो है आपको तीन तीन दिन के दरमियान से देते रहना है स्प्रे को। तो यही आपका बिल्कुल रूटीन है, चलता रहेगा जब तक आपकी ये माइट्स और थ्रिप्स वगैरह नहीं हटेगी, तब तक आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं ले पाएगा पौधा, और इसी तरीके से सुकड़ सुकड़ के मरता रहेगा, और आपका जो है मन भी मरता रहेगा, और आप जो है फिर इस तरीके से जो है इससे रोज़ जो है ग्रो करने से जो है आप भी ऊब जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ऊबें, और आपको बस ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से रोज़ ग्रो करें। अभी मेरे पौधे की कंडीशन आप देख सकते हैं जब मैं इनका स्प्रे करूँगा, पर इसके बाद इसका इफेक्ट का असर भी आपके साथ शेयर करूंगा शॉर्ट वीडियो के साथ। चलिए मिला लेता हूं मैं इन सभी को, और फिर मैं आपको स्प्रे के साथ मिलता हूं। तो साथियों, मैंने अपनी टंकी को कर लिया है रेडी, अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको बिल्कुल से जो है स्प्रे पौधों पर करना होता है। तो जैसा कि ये पौधा आपको देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक था, और इसको आपको क्या करना है कि आप स्प्रे इस तरीके से जब करेंगे, तो इस तरीके से तो करेंगे ही सारे पौधों पर, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपका स्प्रे तो रहेगा ही, और शाम के टाइम का है ये समय आपको, और इस तरीके के साथ साथ आपको क्या करना है कि इस तरीके से हाथ से जो है इस तरीके से उठा करके नीचे से भी इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से आपको नीचे से भी स्प्रे करना होता है। अगर आप नीचे से भी नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड है वो भी जो है काम करेगा, मगर बेहतर यही तरीका है। आपको जल्द से जल्द अगर निवारण चाहिए इसका, तो आपको नीचे से भी इस तरीके से हर एक प्रत्येक पौधे को नहलाना होगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, मैं अब आपको दिखा देता हूँ, नीचे से स्प्रे मारने का ये फ़ायदा होता है कि नीचे से भी ये अपना गीला हो जाता है और दवा पहुंच जाती है, जिसके कारण जो है ये आपकी जितनी भी थ्रिप्स माइट्स वगैरह जितनी भी बाई तबाही चीज़ें हैं ये सारी आपकी भाग जाएंगी। एक ही स्प्रे में ही काम हो सकता है अगर आपके पौधों पर कम है तो, अगर ज़्यादा है तो आपको दो तीन स्प्रे तो करना ही करना है, और तीन स्प्रे तो आपको मारना ही मारना है, बाकी आपको जो है चाहें तो फिर नीम ऑयल हफ्ते में लेते रहें। तो यही है मेरा आज का वीडियो, और आपको समझाने का मेरा तात्पर्य यही था। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया होगा, मगर आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। यही ग्रोथ का समय है, मार्च का समय, अप्रैल 15 से पहले पहले आप अगर कर लेंगे तो बड़ी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं आप अपने पौधों के अंदर। और अगर इसी तरीके से थ्रिप्स से, माइट से, एफिड्स वगैरह, रस चूसक कीटों से अगर आप जूझते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे, और सिर्फ अपना पौधे से भी हाथ धो बैठने की पूरी पूरी कोशिश हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम जब ध्यान नहीं देंगे, इन पर स्प्रे नहीं करेंगे, तो जो है इन पर जो है ये पत्ते इसी तरीके से हमारी जो माइट्स जो है, एफिड्स है, थ्रिप्स है, रस चूसते रहेंगे और हमारे पौधे डेड की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। और ये मेरे इधर भी कुछ पौधे हैं, इन पे भी मैं देखिएगा, इन पे भी सारे के सारे ऐसे ही स्प्रे करने वाला हूँ। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जब भी आपको इसका अपडेट दूँ एक दो दिन के बाद, तो मैं पॉजिटिव ही इसका रिज़ल्ट रहे। तो आप भी दुआ करिए कि हाँ ये ठीक हो जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, और अगर नहीं भी लगी है तब भी आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मिटसाइड वगैरह देते रहना है समय समय पर। हफ्ते में 15 दिन में कम से कम एक बार तो आपको देना ही रहती है, तब आपके प्लांट्स अच्छे चलते रहेंगे, सर्वाइव होते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो साथ, तब तक के दोस्तों खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने पौधों का बिल्कुल से ख्याल रखिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा।